हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केबल ट्रे को इंस्टॉल करने के लिए उसका सपोर्ट कैसे बनाते हैं और उसका एल सपोर्ट सही तरीके से कैसे बनाया जाता है और कौन सा तरीका गलत है, और केबल ट्रे को भी हमको एल में मोड़ना है तो कैसे मोड़ेंगे, और कोई भी पाइप को भी हमको एल में मोड़ना है तो कैसे मोड़ेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। और मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट यहाँ पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश सावलिया, आप देख रहे हैं श्री राम इलेक्ट्रिकल चैनल। ये 50x50 का एंगल है, उसको हमको कैसे कटिंग करके कैसे एल बनाते हैं और सही तरीका कौन सा मैं बताता हूँ। अभी कोई बहुत लोग कैसे कटिंग करते हैं, एक पीस इतना काटेंगे, ये वाला पीस काटेंगे, फिर ये वाला पीस काटेंगे, फिर उसको वेल्डिंग करके ऐसे एल बनाते हैं। तो इसमें क्या, कटिंग करने में भी टाइम जाता है और उसका वेल्डिंग करने में भी ज़्यादा वेल्डिंग करना रहता है, तो उसमें ये सपोर्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर राइट एंगल लगा के वेल्डिंग करना रहता है और उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। और ए वाला जो आप एल बनाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा पीस काटना है, यहाँ से मेजर यहाँ का आपको जितना डिस्टेंस है जितना लंबाई रखना हो डिसाइड कर लेना, और ए लंबाई जितना रखना हो डिसाइड कर लेना, और उसको बीच में आपको वी कट करके ऐसे 90 का बेंड बनाना है। तो 90 का बेंड बनाने के लिए ये 50 का है आपका एंगल है, तो 50 का एंगल है तो उसको कैसे आप वी कट करके ऐसे एल 90 बनाएंगे। तो आप 50 का एंगल है तो उसको हम सेंटर लाइन में से दोनों साइड 50 50 mm लेंगे। ये 50 का एंगल है तो हमने सेंटर लाइन से दोनों साइड 50 50 mm लिया है, और आपका 100 का एंगल रहेगा तो सेंटर लाइन से दोनों तरफ 100 100 mm लेके वी कट बना के ऐसे 90 का बेंड बनाना रहेगा। तो ऐसे उसका फॉर्मूला बस सेम ही है, कोई भी रहे, पाइप को भी आपको ऐसे एल बनाना है तो पाइप 50 का पाइप है तो उसको आपको सेंटर लाइन करके दोनों साइड 50 50 mm लेना है। 100 का आपका एंगल है तो 100 में भी ऐसे सेंटर लाइन से दोनों तरफ 100 100 mm लेना रह के वी कट बनाना है, और 150 का भी कोई एंगल है, कोई भी पाइप है जो भी है उसका भी ऐसे एल बनाना है तो आपको उसका सेंटर लाइन से दोनों तरफ आपको 150 150 mm ले लेना है। तो ये मेजरमेंट आपको जो रखना है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी ट्रे कितने एमएम की ट्रे में आपको ये सपोर्ट यूज़ करना है। अब 100 mm की ट्रे में आपको यूज़ करना है सपोर्ट तो आपको 110 mm का ये साइज रखना पड़ेगा, और ये आपको जितना छत से अप डाउन करना है 100 200 जितना अप और डाउन जितना लेना है आपको सपोर्ट, तो वही हिसाब से आपको ये करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो सपोर्ट है तो यहाँ पे आपका ये एंकरिंग होके छत में लग जाएगा, छत में आपको लगा के फिर वहां से बेंड करके यहाँ पे आपका मैंने जो केबल ट्रे दिखाया, तो एक केबल ट्रे है वो ऐसे आसानी से लग जाएगा। और ये वी कट किया तो वी कट करके अब इतना ही वेल्डिंग करना रहेगा, ये सपोर्ट में आपको खाली जितना वी कट फाड़ा है वो ऐसे चपक जाएगा, दोनों पास पास में आ जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का वेल्डिंग किया और आपका सपोर्ट कंप्लीट हो गया। और इसमें क्या करना पड़ता है, इतना एक पीस काटो, फिर दूसरा पीस काटो, फिर यहाँ से लेके पूरा वेल्डिंग करके फिर सपोर्ट बनेगा। तो ये सपोर्ट बनाने में टाइम भी जाता है और सपोर्ट अच्छा भी नहीं लगता और ज़्यादा टाइम ले लेता है, और ये सपोर्ट इजी बन जाता है और कटिंग करने का भी कम रहता है और आसानी से बन जाता है। और कोई भी आपको ऐसे ही 90 में ट्रे भी मोड़ना है, आपको ऐसे एल में ट्रे मोड़ना है, एल बना के ट्रे भी मोड़ना है तो भी ये सेम तरीका ही रहेगा। आपका 50 का ट्रे है तो दोनों तरफ 50 50 सेंटर लाइन से लेके 50 50 mm लेके वी कट बना के उसका भी एल आसानी से बना सकते, और कोई 200 का भी बनाना है तो 200 mm का ट्रे का भी आपको एल बनाना है तो उसमें भी आपको सेंटर लाइन से दोनों तरफ 200 200 mm ले लेना है। तो ऐसे पूरा ये आपका आसानी से एल बन जाएगा और ये छत में लग जाएगा, और उसके बाद आपका तुरंत ये यहाँ पे जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आप डिसाइड करोगे इतना डिसाइड आप अपने हिसाब से कर सकते, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी आपका जितना मेजरमेंट लेना है वो अपने हिसाब से ले सकते। तो ऐसे ही आपको आसानी से ये एल बन जाएगा, और उसमें भी आपको इसमें भी बहुत तरीका का एल बनाना है। अभी ये ए है,
अभी आपको कोई दीवार पे लगाना है, दीवार पे लगाना है तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर का इतना हिस्सा निकल जाएगा। आपको ये हिस्सा आपको कुछ एंगल नहीं लगाना है, होल भी नहीं गिराना है। अभी आपको ऐसे करके फिर यहाँ पे दो होल गिरा देना है, यहाँ पे दो होल गिरा के ऐसे दीवार पे लगा देंगे तो फिर भी यही सपोर्ट उसमें भी काम हो जाएगा, आपका ट्रे यहाँ पे रह जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए।